यार देखे बाथरूम में कर क्या रहते जाके सारे देखे सुन ले पहले शाह मसूद या इफ्तिखार की वो पोजीशन थी कि बाबर के साथ थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं। हारिस शदाब ये नीचे होते हैं ये कुछ ना तुम्हारे लिए कुदरत का निजाम डलवा दिया ठीक है तुम यहाँ तक पहुंच गए थोड़ी सी शर्म और गहरा पे 100 रन पे आउट हो जाते इंटेंशन शो करते तुमने वही टके हुए बल्लेबाज के एक मैच हार जाएंगे लोग गालियां देंगे उसके बाद भूल जाएंगे साजिश ही अनासिर हो तुम लोग। यार मतलब पान मसूद बहुत अच्छा खेल रहा था बाद में उसे गैरत आई अगर वो स्ट्राइक रोटेट करता रहता तो पाकिस्तान असल में 160 पे चला गया। एक देखे इतना बड़ा मैच है आपको इतनी तोकल होनी चाहिए पहले तो रिजवान वो 2 किलोमीटर दूर बॉल था उसको बैट से यार सैम करन 12 रन देके 3 आउट कर रहा है। ओ भाई ये 3-4 बॉलें खेलने वाले पे ना बात करो बाकियों ने भी खेली है 5 ओवरों में वो भी आखिरी बॉल पे चौका आया तो आखिरी 5 ओवरों में आपने क्या बनाया आखिरी आपने 33 बॉलों में 37 रन किए। क्रिकेट खेलोगे तुम फाइनल में 92 की ग्लोरी अबे कौम की दुआओं पे तो यहाँ तक आया है भाई तू 50 शान तू मार मैं 50 नहीं ये वाला सीधा ये जो शादाब खान ने रन किए हैं ना मैं ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान इंग्लैंड की बैटिंग से डर कर 160 की तरफ जा रहा है गलत कर रहा है अगर ये विकेट गिर गई नहीं मार सकता या नवाज वहां मारता है जहां बगैर ग्लूकोज के छक्का लगता है। कौम ने किसी गधे को भी कप्तान बना देते ना गधा अगर ड्रेसिंग रूम में बैठा होता उस गधे को भी पता होता कि अगर रिजवान आउट हुआ है तो बैटिंग आपने हारिस को नहीं भेजना है हारिस को नहीं भेजना है आपने उसके ऊपर ये तुमने पूरी 2 दिन तुमने ये किए अबे क्या